दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई सिरप के बारे में जिसका नाम है ओरोफोर एक्सटी। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी टॉनिक है। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल मेड स्टड क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों हम हर वीडियो जो बनाते हैं वो दो लैंग्वेज में बनाते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, तो ताकि हमारे दोस्तों को काफ़ी हेल्प पहुंचे। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट कीजिए। और चलिए दोस्तों इस ओरोफर एक्सटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ओरोफर एक्सटी जो है ये बहुत ही स्टैंडर्ड आयरन टॉनिक है। इसको याद रखिए, इसको टॉनिक मत कीजिए, आयरन सिरप बोलिए, ताकि टॉनिक अलग होती है जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, मल्टी विटामिन्स होते हैं। इसमें सिर्फ आयरन होती है और फोलिक एसिड होता है और मिथाइल कोबालामिन भी ऐड किया गया है, बस इतना ही। विटामिन ए बी डी ये कुछ भी नहीं होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक वगैरह। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है और वेरी फेमस है, ओवर द काउंटर मिल जाती है आपको दुकान से, केमिस्ट के शॉप से। इसको बनाया गया है एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने। एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये वर्ल्ड इंडिया की 12th रैंकिंग में आती है 2018 के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके और ये काफ़ी फेमस है। और इसके जो बच्चा जो लेता है ये भी इससे बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों ये एक्चुअली फिजिशियन सैंपल है 100 ml, लेकिन आती है 200 ml में, जो कि आपको केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी। दोस्तों ओरोफर एक्सटी जो है इसमें ड्रॉप्स भी आएंगे, ये ओरोफर एक्सटी प्लस सिरप है, तो इसमें सिरप भी आएगी। ये 180 rupees को 200 ml में आएगी, यानी ये थोड़ी कॉस्टली है, प्राइसी है। दूसरे आप ब्रांड्स देखेंगे जहाँ पे आपको मिल जाएंगे 100 से लेके 130 140 rupees में भी मिल जाएंगे। तो ये फिजिशियन सैंपल होने की वजह से ये ऐसी छोटी सी है, वरना इससे बड़ी आ जाएगी, मैं खोल करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों ईच 5 ml कंटेन्स 30 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन। एलिमेंटल आयरन यानी जो बेसिक आयरन जो होता है वो 30 mg है। उसके साथ फोलिक एसिड 500 micrograms है, मिथाइल कोबालामिन 500 micrograms है। दोस्तों याद रखिए, जब भी आपको कोई भी सिरप देते हैं तो आयरन के रिलेटेड उसको आपको याद रखना है कि एलिमेंटल आयरन कितना है। एलिमेंटल आयरन इसमें ईच 5 ml 30 mg, क्योंकि इसको बनाया गया जाता है इसमें दूसरे साल्ट्स यूज करके, जैसे फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस जिंक, जिंक जिंको जिंकेट और तुम्हारा जो सल्फेट होता है, तो ऐसे साल्ट से बनाया जाता है। लेकिन एलिमेंटल आयरन जो होता है वो बेसिक होता है। यहाँ पे डोज लिखा हुआ है कि 5 ml ईच 5 adults के लिए 5 ml और 2 to 3 times a day यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कौन सी भी सिंपल सी दवाई हो प्लीज कंसल्ट कीजिए अपने फिजिशियन से या पीडियाट्रिशियन से प्रॉपर यूज के लिए। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसके अंदर जो है ओरोफर एक्सी जो है इसका ऑरेंज फ्लेवर है और बहुत अच्छा फ्लेवर है और आप बच्चों को खास पसंद आएगा। इसको कब लेना है? अगर आपकी बच्चों में यूजुअली भूख बढ़ती है, इससे इंटेलिजेंस होता है और इनसे और जो IQ पावर होता है वो भी बढ़ जाता है। भूख यानी अगर आप बच्चा नहीं खा रहा है तो इसको सिरप देने से बहुत अच्छी भूख लगेगी। ये खाली पेट लेना है, यानी जब खाना ना हो, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब दे सकते हो, या तो शाम के 5 4 बजे भी दे सकते हो। लेकिन इसके साथ दूध ना दें तो अच्छा है, और इसके साथ जिंक सिरप ना दें तो बहुत अच्छा है, और इसके साथ चाय की भी आदत ना डालें, तो ताकि इसका एब्सॉर्प्शन में फर्क पड़ता है। तो अगर प्योरली अगर ये देंगे तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या होगा? एक मोशन ब्लैक होगा, जिसकी वजह से डरना नहीं, और दांत वगैरह काले हो सकते हैं, काले स्टेन्स पड़ सकते हैं, दाग पड़ सकते हैं काले, तो वो पानी पीने से चले जाते हैं, ब्रश करने से चले जाते हैं। एक और एक चंद बच्चों में ये भी देखा गया है कि इन बच्चों में चंद बच्चों में लूज टूल्स होते हैं, यानी तकरीबन समझो कि आप एक बार कर रहा है बच्चा दिन में, ये सिरप स्टार्ट करने से 2 3 बार भी कर सकता है। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं, इससे कुछ डरना नहीं है। बस आपको जब भी इन्फेक्शन हो, फीवर हो, तब ये आपको टॉनिक स्टॉप स्टॉप करनी होगी होगी। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं ये कैसी दिखती है, इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों ये ऐसी दिखती है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 2 ml 5 ml 9 ml 13 ml कुछ अलग सा ग्रेडिंग किया गया है। तो यहाँ पे एमक्यूर बॉटल है,
इसको अच्छा टेस्ट है, ये थोड़ी थिक होती है जबान पे, इसीलिए बच्चे थोड़ा ट्रबल होगा आपको खिलाने में, लेकिन अगर आप खिलाए पिलाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। तो ये हैं इसके आयरन टॉनिक के बारे में और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।